नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्मी लोग की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ साउथ की 6 बेहतरीन कॉमेडी एडवेंचर फैंटेसी रोमांस थ्रिलर पर बनी है फिल्में। दोस्तों आज की सभी फिल्में एक से बढ़कर एक है और दोस्तों आज की सभी फिल्में हिंदी में यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी, मगर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना इनमें से कुछ फिल्में अनऑफिशियली अवेलेबल है जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 6 पर आती है 2022 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा वाली फिल्म राजवंशम, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में एम साई कुमार, निक्की गलरानी और योगी बाबू के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो एक युवक एक आईटी फर्म में एक टीम लीडर के रूप में काम करता है। वह अपनी कंपनी के लिए एक प्रतिष्ठित परियोजना को 30 दिनों में पूरा करने की चुनौती के रूप में लेता है और इस बीच अपने परिवार और अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने का फैसला करता है। हालांकि उसे पता चलता है कि उसकी होने वाली दुल्हन अपने एक रिश्तेदार से प्यार करती है, और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 3.4 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर की तरफ से 80% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 5 पर आती है 2017 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी रोमांस थ्रिलर वाली फिल्म मारा गाथा नानायम, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में आदि, निक्की गलरानी और आनंद राज के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो कई लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार एक सापित खजाने को खोजने के लिए सैन गुट्टुवन और एलंगो को एक गहना तस्कर द्वारा काम पर रखा गया है। बाद में एक पुजारी की मदद से वे खजाने को पता लगाने के लिए 3 आत्माओं को बुलाते हैं। एक गैंगस्टर भी मारा गाथा नानायम की तलाश में इसमें शामिल हो जाता है। क्या उन्हें मारा गाथा नानायम मिलता है? निक्की गलरानी के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म ऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर की तरफ से 91% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 4 पर आती है 2019 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा रोमांस वाली फिल्म इस पादे राजबुम इधाया रानियम, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में हरीश कल्याण और शिल्पा मंजुनाथ के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो एक बेरोजगार युवक गौतम एक अप्रत्याशित घटना में तारा से मिलता है और वे अक्सर मिलते हैं। बाद में तारा और गौतम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तारा को अपने अमीर माता पिता और अपने मंगेतर को समझाने में काफी मुश्किल होती है। गौतम असुरक्षा और उसे खोने का डर महसूस करता है। गौतम और तारा का रिश्ता जटिल होता है जब तारा गौतम के अधीर व्यवहार से परेशान हो जाती है। तभी उनमें से एक को समझ आ जाता है कि रिश्ता नहीं चलने वाला है। क्या वे संपर्क में रहेंगे और एक साथ जीवन व्यतीत करेंगे ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर की तरफ से 73% लाइक मिला है। और उसके बाद नंबर 3 पर आती है 2018 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन कॉमेडी हॉरर थ्रिलर वाली फिल्म टैक्सी वाला, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में विजय देवरकोंडा, प्रियंका जावलकर और मालविका नायर के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो एक युवक कई अजीबोगरीब नौकरी छोड़कर कैब ड्राइवर की नौकरी के लिए तैयार हो गया। हालांकि चीजें एक मोड़ लेती है जब वह गाड़ी चलाते समय रीढ़ की हड्डी की घटनाओं का सामना करता है और रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म ऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर की तरफ से 89% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 2 पर आती है 2021 पर रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन रोमांस वाली फिल्म चलो प्रेमिदम, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में साई रौनक, नेहा सोलंकी और अली के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो आत्मा राव उर्फ विशाखापट्टनम से इंजीनियरिंग करने के लिए हैदराबाद आता है। इस प्रक्रिया में उसे मधुमती से प्यार हो जाता है जो उसी कॉलेज में पढ़ती है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिर ऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 2 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और इसके बाद नंबर 1 पर आती है 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन रोमांस वाली फिल्म सवारी, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में नंदू विजय और प्रिया शर्मा के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो
शादी के लिए अपने घोड़े बादशाह को किराए पर देने वाला राजू का जीवन उल्टा हो जाता है जब उसकी मुलाकात एक अमीर परिवार की लड़की वागी से होती है जिसे सच्चे प्यार की तलाश है। जब उसके सौतेले माता पिता उसकी इच्छा के खिलाफ उसकी शादी करने की कोशिश करते हैं तब वह अपनी शादी से भाग जाती है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म ऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 1 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर की तरफ से 68% लाइक मिला है। दोस्तों तो ये थी साउथ की वे 6 बेहतरीन फिल्में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।